Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the video session, Kanto Publishers. Before we start, you need these three books with you. सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपके पास General Science की book होनी चाहिए. Second thing is summer pack. Because nowadays you are sitting at home, तो आप लोगों के पास summer pack भी हो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है. और तीसरी चीज है प्यारे बच्चों, resource pack. ये रिसोर्स पैक जो है, दिस इज फॉर द टीचर्स. लेकिन आजकल आप लोग घरों पे हैं, तो आपके वालिद, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ केंटप पब्लिशर्स. डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड द कंपेरिजन बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड देन गैसेस. You have seen that solids have specific shape and fixed volume. Liquids do not have fixed shape. Yani acquire the shape of the container, but have fixed volume. In case of solids, neither have specific shape nor volume. ये हम comparison हमने पढ़ ली. Today we are going to study about the effect of temperature, effect of heat on solid, liquids and gases. हम देखेंगे कि जब हम solid को heat करेंगे तो क्या होगा, हम liquid को अगर heat करें तब क्या होता है, और अगर हम gas को heat करें तो उससे क्या होगा. My dear students, if you remember, I told you in the last class के solids जो होते हैं उसमें the molecules are very closely compact with one another and there are almost no free spaces, right? अब जब इसको हम naturally जितनी भी my dear student जितनी भी solids हैं सब के अंदर एक मामूली सी वाइब्रेशन होती है जो हमें नजर नहीं आती. वो इतनी बारीक होती है कि नेकेड आई से इफ यू आर हैविंग अ कप ऑफ टी इन योर हैंड्स, तो ये कप के अंदर भी स्मॉल लिटल वाइब्रेशन है जो हम फील नहीं कर सकते. जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये वाइब्रेशन बढ़ने लगती है. और जैसे जैसे ये वाइब्रेशन बढ़ने लगती है, एक वक्त ऐसे आ जाएगा कि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसका जो शेप होगा ये कोलैप्स हो जाएगा और ये इस तरह शेप में आ जाएगी. यानी ये वाइब्रेशन इतनी तेज हो जाएगी कि ये फ्लो शुरू हो जाएगा इसके अंदर. जस्ट लाइक वाटर, हम पानी जमीन पे गिराते हैं तो क्या करते हैं, वो फ्लो करते हैं. सो यू सी यहां पे दिस वर ओनली ऑन देयर ओन पोजिशन, फिक्स पोजिशन पे. ये वाले थोड़ा सा इधर उधर फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रीली आपस में कर रहे हैं, ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं है. इसके मुकाबले में अगर इसको हम मजीद हीट अप करें तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, इसको अगर हम फर्दर हीट करें प्यारे बच्चों, सो इट विल चेंज इन टू गैस. हाँ, और जब ये गैसियस स्टेट में आ गया, अब अगर हम यानी ये जो आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं पार्टिकल्स, दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, आपस में भी टकरा रहे हैं. तुम देखो प्यारे बच्चों कितना खूबसूरत एक मंजर पेश कर रहे हैं, तो ये आपस में भी टकराते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराते हैं. अब ये रूम टेम्परेचर पे इसका ये हाल है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो पता है क्या होगा, इनके अंदर ये जो स्पीड है, जो कोलिजन है, ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. और अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो इनकी ये स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि एक वक्त ऐसे आ जाएगा कि ये जो कंटेनर है ये फट जाएगा. यू हैव सीन माई डियर स्टूडेंट्स, जब घर में प्रेशर कुकर में जब अम्मी कुछ गोश्त नरम करती हैं, बनाती हैं, तो आप लोगों ने कभी गौर किया है कि उसमें से चिस की आवाज आने लगती है. वो क्या होता है, उसके अंदर इतना प्रेशर बढ़ जाता है, जो लिक्विड ऊपर जाता है तो ऊपर से बंद होता है. तो यानी प्रेशर कुकर में नीचे लिक्विड होता है, ऊपर
गैस होता है, और अगर गैस के मॉलिक्यूल्स इतनी तेजी से टकराते हैं आपस में कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो छस की आवाज करके ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन अगर अल्लाह न करे इसका ये बंद हो जाए तो आप लोगों ने सुना होगा ये फट भी जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में बड़े कंपैक्ट होते हैं, जब हम इसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज जाएगा, जब लिक्विड को हम फर्दर हीट करेंगे तो वो गैस में चला जाएगा। और सिंपली यू हैव सीन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एंड हाउ दे इंटरचेंज। वन थिंग मोर, अगर हम इस गैस की टेम्परेचर कम करें, ठंडा कर दें तो वो लिक्विड में, और अगर लिक्विड को भी ठंडा कर लें तो वो गैसीय स्टेट में आ जाता है। हम पानी का मिसाल ले सकते हैं, वाटर। वाटर वॉज इन आइस फॉर्म, देन इट वॉज अ लिक्विड वाटर, और अगर हम इसको करेंगे तो ये स्टीम में बदल जाता है। सो माई डियर स्टूडेंट्स, यू हैव सीन द इफेक्ट ऑफ हीट अपॉन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। आप लोगों ने इस टेक्स्ट को रीड करना है, आई हैव गन अ बिट इन डिटेल देन दिस टेक्स्ट, सो आप लोगों ने टेक्स्ट को भी साथ पढ़ना है और होमवर्क जरूर करना है। होमवर्क से क्या फायदा होगा प्यारे बच्चों, जब आप स्कूल खुलेंगे आपके और आप अपना होमवर्क दिखाओगे टीचर्स को, सो यू विल गेट अप्रिसिएशन, और आने वाली एग्जाम्स के लिए आपके एडवांस में तैयारी हो चुकी होगी, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।